मोटरवे का एंट्रेंस? नहीं यार, आपको नहीं पता था? अबे यार, चौड़ा एंट्रेंस ये भाई हमारे कराची टूल से बड़ा है। अबे नहीं यार। और ये माशाल्लाह, इधर मोबाइल नीचे कर ले। सवात सवात मोटरवे पे एंटर हो गए हम। सवात में एंटर हो गए? सवात में एंटर हो गए। नहीं करो यार, सवात मोटरवे तो अमेरिकन भाईजान, आपका क्या फीलिंग है? ये सवाट अच्छा है, सवाट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे इंग्लैंड में कोई ऐसा साफ रोड देखे तुम? यस यस। क्या देखा? इंग्लैंड में कोई जगह का नाम बताओ ना। इंग्लैंड? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? कैपिटल ई। यस यस यस। कालम दी भाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, व्यू चेक कर। सवात की कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी ये असली वाला है भाई। आप कराची वाला ना समझिएगा। देखिए आसपास आपको पान की पी के नजर में आएंगे जी। दोस्तों सवात मोटरवे टनल आ चुका है। टनल, अब टनल में से गुजरेंगे। रफ्तार पर कंट्रोल करें, डॉक्टर नौमान को भी कंट्रोल करें। माफ करो बाबा, माफ करो, माफ करो बाबा। क्या हो गया? पास भी लग गया। और भाई कैसा नाम? ओके दोस्तों, सो वी आर एट सवात मोटरवे टनल। सवात मोटरवे टनल, टनल में से जाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। लेकिन उससे पहले ये जरा देखें यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है यार, क्या खूबसूरती है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत। ये देंगे जी, वंस अगेन ये जरा चेक करें क्या ऊंचाई है। ऊंचाई इससे पीछे आया था ना पलाई, यहाँ मुफ्त पलाई हो रही है भाई। सब चीखते हुए जा रहे हैं टनल के अंदर, फुल तफरियाँ हो रही है। लेकिन मेरा तो ये देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई, शौक हो रहा है भाई, शौक यहाँ भी जिंदा है भाई। सो दिस इज द थिंग। और ये आबशार बह रही है, आबशार है ना ये, क्या कहना चाहिए इसको, पहाड़ में से पानी बहता हुआ देखें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं यार। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये, तो मुझे तो बहुत एक्साइट कर रही हैं ये सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक ने कैसी हमें जो है ना वो कुदरती नेमतों से जो है वो माला माल किया है, और हम कितने नाशुक्र लोग हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो चलो भाई चलते हैं अब सवात मोटरवे टनल में। चल जी, टनल में दाखिल हो गए। अब हम लोग भी थोड़ा सा बच्चों की तरह शोरमा चाहते हैं। खोलो शीशे, खोलो शीशे। सेकंड टनल में एंटर होने वाले हैं। अब ऑडियो जो है वो नहीं आएगी इतनी खास, माइक मैंने लगाया हुआ, नहीं टाइम है नहीं अभी इतना, लेकिन आप इंजॉय करिएगा और ये पहले मनाजिर इंजॉय करें। चौथा भी आ रहा है भाई, ये डर के बताओ, डर के बताओ भाई, कैसे देते चलो भाई यार, बहुत बेहतरीन। और इतनी अंदर ठंडी हवा है ना, अंदर टनल के अंदर भी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर पहाड़ है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ काट के बनाई है। अच्छा, पहाड़ काट के बनाई है, पहाड़ काट के, पहाड़ काट के टनल बनाई गई है। और इस वजह से जो है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है अंदर, ऐसा लग रहा है एसी ऑन किया हुआ है। बहुत बेहतरीन भाई, क्या कर फुल चिचोर पना कर रहे हैं हम लोग।
क्योंकि एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। कैसे पता चलेगा भाई, टावर। अच्छा जी, सवात में हम एंटर हो चुके हैं और ये आप गाड़ियों का जो शोरूम देख रहे हैं सारे, और एक से बढ़कर एक गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। लुंडा बाजार है गाड़ियों का बेसिकली, और यहां पर जो है ना सारी एक से बढ़कर एक गाड़ियां नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं, और जो 40 लाख की गाड़ी है ना वो आपको यहाँ पे 8 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की हार्डली मिल जाएगी। तो ऑडी और पता नहीं कौन कौन सी जो है फॉर्च्यूनर और एक से बढ़कर एक जो है ना आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे जो नंबर प्लेट लगी होगी उससे आपको ये कौन सी NCP नॉन कस्टम पेड तो उसमें जो है ना आप उसको सवात की जो रेंज है उससे बाहर नहीं ले जा सकते, उसके बाहर लेके जाएंगे तो पकड़ाई है, सवात में चलाएंगे तो कोई पकड़ाई नहीं है कोई, हाँ लीगल है वही, तो सवात में वो लीगल है। और इसके पीछे जो बैक हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा कोई पुराना एक मुआहदा है सवात की गवर्नमेंट का, तो वो उस बेस के ऊपर यहाँ पर ये अलाउ किया हुआ है, उसकी डिटेल्स में खैर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लीगल है, इसके बाहर जो है वो लीगल नहीं है। तो आपको हम लोकल गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, उनकी नंबर प्लेट्स पे लिखा हुआ होगा। हाँ, नॉन कस्टम प्लेट बिल्कुल लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड लेफ्ट पर। कौन सा? ये रहा, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। अति भाई सही पढ़े ना? हाँ सही पढ़े ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। आप समझ रहे हो? अच्छा एक और आप लोग को बताऊं, यहाँ सवात मिंगोरा में जब मैं बकरों का काम करता था ना तो मैंने मिंगोरा तक अपने गुलाबी बकरे बेचे थे, और बिल्कुल पहाड़ी वाला इलाका था वो, वहाँ पे भी वो पल गए थे अल्लाह के करम से। ये देखे ज़रा चेक करें, माशाल्लाह भी आगे और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहाड़ों के अंदर पहाड़ काट के जो घर बनाए हुए हैं माशाल्लाह, सवात के अंदर पहाड़ का साइज देखें और नीचे घर देखें कितने चुन्ने मुन्ने से लग रहे हैं। लेकिन ये बताएं जैन भाई कि ये घर तो हर वक्त रिस्क में नहीं रहते होंगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से? नहीं, ये हर पहाड़ पे बनते नहीं असल में ना। अच्छा, ये लोकल जो होते हैं यहाँ के उसी पहाड़ों पे बनाते हैं जो जो पक्के पहाड़ होते हैं। अच्छा अच्छा, मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिन पे लैंडस्लाइडिंग होती है उनपे नहीं बनाते हैं। उनपे नहीं बनाते यहाँ पे, यानी कि हत्तल इम्कान पता होता है, यानी कि उनको ऑलमोस्ट सिक्योरिटी है कि, लेकिन बस के सिनेरियो में तो हादसा भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं बनाते वो देखभाल की है जगह जो पक्के पहाड़ होते हैं उनपे ही बनाते हैं। सही सही सही। और आगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आप जाएंगे दिखाएंगे तो वहाँ पे तो अभी तो ये तो बहुत नीचे नीचे बने हुए थे। हाँ, पीक तक पे बने हुए थे, ऊपर ऊपर चोटी पे पीक तक बने हुए थे। अच्छा, और हर जो पहाड़ होता है वो सेपरेट एक गांव है। अच्छा, ये बादल भी टकरा रहे होते हैं ऊपर, ऐसा मंजर देखने को मिलेगा? सवात की इतनी हाइट है नहीं। अच्छा अच्छा, माउंटेन पे होता है, माउंटेन में कुछ पीक्स नजर आती हैं जहाँ पे बादल नजर आते हैं, लेकिन माउंटेन हम मुश्किल है जाए। सही है, कश्मीर में होता है ना वैसे? कश्मीर में भी होता है, ये असल में वो एल्टीट्यूड लेवल के ऊपर है, मरी में होता है, मरी में बहुत एल्टीट्यूड लेवल पर है। अच्छा, लेकिन ये है कि यहाँ के नज़ारे थोड़े से प्लेटूज वाले हैं। सही, आप देखें जमीनें थोड़ी सी सीधी है यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे पहाड़ एज कम्पेयर टू वहाँ पे जो गिलगित में या इस तरह है ना, हाँ हाइट ज़्यादा है लोगों। हाँ, यहाँ इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, ये तो बात है। सही, छोटे छोटे पार्क भी बने हुए हैं और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी तक हम सवात में ही है ना अभी तो? हम अभी सवात में ही है, और अभी हम कलाम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से शाही बाग जाएंगे। कलाम में स्टे करेंगे, कलाम में के रास्ते में बहरेन आएगा। सही है, मदियान आएगा। हाँ, और एक और बड़ा अच्छा नाम है, बड़ी खूबसूरत जगह रास्ते में, चला बड़ी अच्छी जगह आएगी। सही है, सस्पेंशन ब्रिजेस आएंगे उन पर जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, बड़ा सस्पेंस भी क्रिएट होगा, चल के देखते हैं आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। और टेम्परेचर मैं आपको बताऊं, हल्का फुल्का गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर है, हवा ठंडी है। हाँ, लेकिन पंजाब के मुकाबले में, क्योंकि पंजाब में हवा खुश्क थी ना, हवा नहीं थी, हवा थी। ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो टेम्परेचर अच्छा मिलेगा वहाँ पे, मतलब हल्की फुल्की ठंड मिलेगी आपको। अच्छा, और पहाड़ पर ऑक्सीजन लेवल होते हैं आप यहाँ के, यानी कि साइड के ऊपर एल्टीट्यूड लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ना, यहाँ पे इतना एल्टीट्यूड लेवल नहीं है। सही है, तो जिस वजह से जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह का मसला नहीं होता। आप अगर फेरी मेडोज जाएँ तो वहाँ पे जो है ऑक्सीजन लेवल का बड़ा मसला होता है। सही, ट्रैकिंग करें हाइट पे।
सही। तो इस तरह की जो हाइटेड जो जमीन, असल में सिर्फ जमीन से जितनी सतह ऊपर जाएगी ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, उससे ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ये इतना ज़्यादा नहीं है इतनी हाइट पे, लेकिन ये क्योंकि वैली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है। सही सही। चलें जी, होपफुली आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा, हमें तो आ ही रहा है। तो इन्जॉय करते रहें, आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं। ये अभी एक घर आएगा, वो चेक करें आप चोटी के ऊपर। ओह, ये कुछ था, उसने मुझे बताया था क्या था, किसी का था। माशाल्लाह, ये चेक करें घर, कहाँ चोटी पे बनाया हुआ है, माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम सनरूफ से बाहर आके थोड़े से आपको खूबसूरत मनाजिर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये पहाड़ है, साथ में दरिया चल रहा था, दोबारा मेरे ख्याल से आएगा। लेकिन यहाँ नीचे ग्रीनरी देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए पहाड़ों के साथ। हर किसी ने अपनी जो है वो काश्त। और दरिया आएगा आगे दोबारा, ये साथ साथ चल रहा है दरिया। अच्छा, थोड़ी सी लोगों ने बनाई हुई होती है अपनी काश्त के लिए ना, दरिया साथ साथ तकरीबन चल रहा है। दरिया आपको आगे वो थोड़ा सा दरख्तों की तरफ दरिया है चल रहा है। वाह यार, क्या मनाजिर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से बागात हैं या जंगलात हैं? ये तो नॉर्मल जंगलात हैं, इसके पीछे जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रहा था, ये सारा लोगों की अपनी काश्त है, जो लोग फसल उगाते हैं और खाते हैं सारा साल अपना। अच्छा, बेचते भी हैं खाते भी हैं। बाहर की तरफ जंगल है और अंदर मेरे ख्याल से सामने माल्टे लगे हुए हैं, माल्टों का दरख्त है। ये चारा लगाया हुआ है गायों का, जवार गवार और जवार, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मकई थी भाई, बहुत बेहतरीन। लेकिन दरिया निकल गया बेसिकली, दरिया निकलना नहीं है, अब आएगा दरिया तो यहाँ पे बहुत फ्लैट है। हाँ, ऊंचा नहीं है पानी दरिया का, आगे बहुत पानी, आराम से आराम आएगा इस टर्निंग के बाद दरिया। दरिया फिर आएगा तो मैं आपको दरिया दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सामने ज़रा देखें, माशाल्लाह जो दरख्तों की पूरी एक लीडिंग लाइन बन रही है पहाड़ की तरफ। ओहो, क्या सीन है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। को बचाने के लिए लगाए गए थे। अच्छा, ये लैंडस्लाइडिंग से बचाने के लिए लगाए गए दरख्त। होता ये कि रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो ज़मीन को जकड़ के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, तो लैंडस्लाइडिंग इतनी आसानी से नहीं होती। सही सही सही। पहाड़ काट देते हैं अपना, जो दरख्त काट देते हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है उससे। सही सही, इसीलिए जंगलात काटने से जो है ना वो मना करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन से। ये देखो यार, क्या मनाजिर हैं यार, माशाल्लाह। ये देखें आप लोग, क्या मनाजिर हैं यार, बेहतरीन, आउट क्लास। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ, माशाल्लाह। और पहाड़ को अल्लाह पाक ने जो है ना वो मीखें करार दिया है, कील की मानंद होते हैं ज़मीन में, ये गड़े हुए होते हैं, तो जब भी ज़मीन अपनी जगह रहती है बरकरार, थरथराती नहीं है, पहाड़ हटा दिए जाएंगे तो फिर ज़मीन रूई के गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह पाक की नेमत है, और उसमें से इतनी मादनियात और मिनरल्स, पता नहीं क्या कुछ, लोहा, डायमंड, पानी, क्या कुछ निकलता है, नेमत है अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले ही उसके लिए सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हवा का झोंका बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा ना हो मेरा मोबाइल ही उड़ जाए, तो मोबाइल उड़ने से पहले ज़रा दोबारा अंदर आ जाते हैं वापस। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे ड्रोन कैसे उड़ाएंगे हम लोग इतनी तेज़। नहीं,
नहीं नहीं हवा बाहर तेज थी, हम गाड़ी तेज, अच्छा गाड़ी तेज चला रहे हैं उस वजह से जो है वो लग रही है। क्या यार माशाल्लाह सामने बादल देखें, बहुत खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। और शीशे के ऊपर जर्रार कैटल फॉर्म की कैप की जो रिफ्लेक्शन आ रही है साथ में, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ साथ सवाद तक आ गया भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत फैला हुआ है भाई ये देखें भाई माशाल्लाह क्या बात है। ये देखें आप माशाल्लाह दरख्त देखें कैसे टेढ़ी जमीन पे बिल्कुल सीधे दरख्त, सीधे दरख्त हैं बिल्कुल यार। ये अल्लाह पाक की बड़ी कुदरत है कि आप पहाड़ों पे देखेंगे, पहाड़ की जमीन हम लोग घरों पे पौधे लगाते हैं, उनके साथ डंडे लगानी पड़ती है सीधा खड़ा करने के लिए बिल्कुल। ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ढलान पे भी दरख्त लगे हुए होते हैं तो वैसे सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कुदरत अल्लाह पाक की, बंदा विजिट करे और उसका ईमान ताज़ा हो जाए माशाल्लाह। अभी तो आगे आगे जो हमने प्लान किए हैं आबशार या कोई झील या नहर, ये रीजन में इतने आबशार नहीं है, वो आपको दिखाएंगे। आबशारों का जो रीजन है वो कश्मीर का है। सही है, कश्मीर में आपको हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई वाटरफॉल मिल जाता है। हाँ सवात में मैंने पहले भी विजिट किया है, दरिया वगैरह दरिया है, प्लेन्स हैं इधर अच्छे, और लेक है, लेक्स भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा लेक नहीं है, माउडन है एक लेक वो बहुत ऊपर जाके है माउडन। ओके और से अपना सैफी लेक है, पता नहीं इसी तरह की कोई और भी लेक है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो सारी बहता भाई मतलब ज़्यादातर इसी तरह के दरियाई टाइप के हैं इधर। हर रीजन के अलग अलग, लेकिन साफ सुथरे बहुत है क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ों से ग्लेशियर से पानी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो दरिया भी है ना उस वो शफाफ पानी है एकदम। हमने तो पीछे देखा लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, बट आगे दोबारा देखने को मिलेगा तो आपको रिकॉर्ड करके देखेंगे। यहाँ इतना नीचे आते आते थोड़ा सा गंदा हो जाता है पानी ना, ऊपर जितना जाएंगे ना और शफाफ पानी मिलता है। सही सही ओके।